अब आपने ये आपकी पेपर डिवीजन हो गई है, ये आपकी एलिवेशन आ जाएगी, इसमें साइड आ जाएगी, और ये प्लान ये निशान लगा दी थी। अब जो नहीं चाहिए आपको उसको आप रफ़ कर दें, आपको ये लाइनें नहीं चाहिए इनको आप रफ़ कर दें, ऐसा सारा रफ़ करनी है आपको, सारी साफ़ करनी पड़ेगी। अब आपने ये सारा साफ़ करके इस तरह आपकी ये एलिवेशन साइड और प्लान बन जाएगा, इस तरह बिल्कुल इसको क्लियर कर दें और सारा रफ़ कर देना अपनी रेजर की सहायता से। अब इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए अब इसकी हम अगर एलिवेशन देखेंगे तो सामने से आपको ये भुजा दिखेगी, आपको ये एलिवेशन में आएगी, ये भी एलिवेशन में आएगी और ये भी एलिवेशन में आएगी सामने से। और ये देखिए तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम इधर आते हैं इसके ऊपर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर है और इधर से भी 5 सेंटीमीटर है, इस कॉर्नर को पकड़ा। अब देखिए ध्यान से रखना आप, और जब ऊपर से देखेंगे आप प्लान से जब जब किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको ये वर्ग दिखेगा, आपको ये एक वर्ग ये दिखेगा, ये एक वर्ग ये दिखेगा और बीच में एक आयत दिखेगी ये, तो ये ध्यान रखना। अब हमने करना स्टार्ट इसको, अब इस पॉइंट को पकड़ना, हमने यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की हम यहाँ लाइन लगाएंगे और वो लाइन हमारी प्लान में भी चली जाएगी सीधी, तो हम इस प्लान को भी सीधी ले जाएंगे प्लान में भी लाइन। अब देखिए कैसे स्टार्ट करना है, उठा उठाएँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे इस पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर काट लें यहाँ पे, और दूसरे साइड पे भी इधर भी 5 सेंटीमीटर काट लें, ये 5 सेंटीमीटर काट लें, फिर प्लान में चले जाएं यहाँ नीचे इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर काटना है और यहाँ पे 5 के ऊपर निशान लगाना है। अब इनको आपस में मिला देना फुट की सहायता से, ये रखा, और ऊपर ये लाइन क्लियर आ जाएगी आपकी और यहाँ भी ये क्लियर आएगी आपके पास, ये एक वर्ग बन गया हमारे पास। दूसरी साइड पे जाएंगे यहाँ पे, ये इसको भी मिलाना है, ये भी क्लियर लगनी लाइन इधर और इधर भी क्लियर लगनी है। अब अगला स्टेप है, यहाँ देखिए ये ऊपर से यहाँ से बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर छोड़ के है, या नीचे से 10 छोड़ दो या ऊपर से 10 छोड़ दो, बीच में 5 का है, या नीचे से 10 छोड़ दो ऊपर से 10 छोड़ दो, एक ही बात है। तो अब हम और बीच में 5, 10 के बाद 5 है, चाहे ऊपर से छोड़ दो नीचे छोड़ दो एक ही बात है। तो अब हम चाहे ऊपर से छोड़ दें 10, यहाँ आप 10 छोड़ दें, ये 10 के बाद 5 है तो 15 आ गया इधर, इसमें भी लगा लें निशान इधर साइड पे, ये 10, 10 के बाद 5, ये ऐसे निशान लगा दें और ये इकट्ठी लाइन लग जाएगी हमारी। अब ये साइड के बीच में ये लाइन डॉटेड आएगी, यहाँ ये लाइन डायरेक्ट आ जाएगी, ये डायरेक्ट और इसके बीच में ये डॉटेड दिखानी है और ये यहाँ भी डायरेक्ट दिखानी है और यहाँ ये डॉटेड दिखानी है, तो अब देखिए यहाँ से 10 था या यहाँ से 10 था, बीच में 5 आ गया, तो अब हमारी एलिवेशन तैयार है, ये हमारी साइड है, ये साइड बन चुकी है हमारी। अब साइड हमारी अगर हम किताब को देखें तो ये साइड है हमारी, ये हमारी साइड है, तो ये एक आयत है, यहाँ से ये एक आयत बनी हुई है 25x5 की एक आयत, ये जब हम इधर से देखेंगे इस चीज़ को तो हमें ये सिर्फ आयत ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, तो ये आयत हमारी ये बन चुकी है। इसके बीच में ये डॉटी निशान आ गया कि इसके बीच में पीछे लाइन लगी हुई है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो लाइन ये जो पॉइंट है ये यहाँ दिख रहे हैं हमारे, हमने यहाँ दिखा दिए। अब प्लान में क्या, प्लान भी हमारा बन चुका है, ये दो आयतें बननी थी इसमें वो बन चुकी हैं हमारी आयतें। देखिए एक आयत तो ये है, ये एक वर्ग ये बना हुआ है हमारे पास, ये वर्ग बन चुका है हमारे पास, इसके साथ एक आयत है, तो ये आयत इधर आ गई, ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमें ये आयत दिखेगी, ये आ गई है, इसके बाद हमारे पास ये वर्ग है, तो ये वर्ग हमारा ये आ गया इसके इधर,
तो ये हमारा अब ये पूरी स्केल तैयार है, तो आप इसको कंप्लीट कर दें।